गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे इट्स वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग, अ लिटिल हॉट। सुबह की गर्मी अब थोड़ी सी महसूस होने लगी है। अभी पिछले महीने हम लोग होली मनाए, ठंड में होली मनाए थे, उससे पहले कंबल ओढ़ रहे थे, लेकिन अब सुबह सुबह ही सूरजदा एकदम जगमगा रहे होते हैं, गर्मी लगने लगती है, थोड़ा सा खेले नहीं कि पसीना दो टपकने लगता है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी का मौसम आ गया है, और जब मौसम गर्मी का है तो हमें गर्मी के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हीट, कि हीट क्या है, गर्मी क्या है, उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। आई होप यू विल एंजॉय द लेसन। वी विल learn more about heat, but before starting the chapter, please make prayer of Master Sati. Om Aing Hring Vad Vad Var Vadini Shri Saraswatyo Namaha. ये prayer connecting link है, हमारे फ्रीक्वेंसी को भगवान की फ्रीक्वेंसी से जोड़ता है। जब हम बोलते हैं ना, साउंड इज ए वेव, वेव इज एनर्जी, एनर्जी है सम फ्रीक्वेंसी। सो इफ माय माइंड्स फ्रीक्वेंसी गेट्स ट्यून्ड इन विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड, इट विल क्रिएट अ मिराकल। सो एवरी डे मस्ट हैव सम प्रे, एंड स्पेशली बिफोर स्लीपिंग। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम योर बुक एंड ट्राई टू राइट एटलीस्ट वन लाइन ऑन ईच वर्ड्स। अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करोगे तो एक समय आएगा जब आपके पास यू विल हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और लास्ट टाइम है, एग्जाम है, सुबह में बस एक बार रिवाइज कर लिए सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, पूरा बुक रिवाइज हो गया, तो कितना अच्छा रहेगा। आप हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टर्म जो बुक में लिखा रहता है हुआ ना, उसको पन्ना पलट कर आगे बढ़ने का नहीं है बस, बल्कि उसे कॉपी में नोट करके उसका डिटेल लिखने का है। ओके, सो आई होप you have write on all the important terms and we start our lesson. Before starting the chapter, I just reminded you today is a hot morning. We are feeling a little heat. What is heat? Have you felt in winter season you are feeling cold inside the house, and nowadays see fan is running above my head. Why? Because it's a hot morning. अब हमें गर्मी लग रही है, पंखा चला रहे हैं, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, और ठंड में नहाते, गर्मी ठंड लग रही है मम्मा, जा 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 धूप में बालकनी में खड़े हो जाओ, बालकनी में जाके धूप ले रहे थे। Why? The sunlight coming from the sun enters into our body and the sunlight makes our body warm. Similarly, गर्मी में क्या होता है, हम लोग वाटर पार्क जाते हैं, the water park में जो ठंडा पानी होता है वो हमारे body के temperature को lower करता है, और हम relax महसूस करते हैं। मतलब ये जो गर्मी है और ठंडा है, heat and cold, ये जो है कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है। अब ऊपर से नीचे करता है या नीचे से ऊपर करता है, गर्मी से ठंडा करता है या ठंडा से गर्मी, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि जब हमें ठंड लगती है या गर्मी लगती है तो जो हो भी हम करते हैं और हमारा ठंड टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, वह कुछ डिफरेंस बनने कारण। ओके, सो इन आवर डे टू डे लाइफ
वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर आदर हॉट एंड सम ऑफ देम आर आदर कोल्ड। आइसक्रीम खाए, मुंह झनझनाने लगी, ठंड, मम्मा रोटी बेल रही थी पैन में, जैसो तवे में उंगली सट गई, इमा हाथ जल गया। तो ये जो आइसक्रीम है, स्पून इन टी कप चाय बना दे रहे हैं और हाथ पे जरा सा चाय गिर गया, क्या होता है, हाथ जल जाता है। ये हम कैसे फील करते हैं कि ठंडा, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, जनरली बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट। वी ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हाउ डू वी डिसाइड व्हिच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? We often do it by touching the objects. But is our sense of touch reliable? क्या हम सिर्फ टच करके पता चल जाएगा? अभी हम लैपटॉप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लैपटॉप हीट हो रहा है, थोड़ा गर्म हो रहा है, बगल में पानी का ग्लास रखा हुआ, वो ठंडा हो रहा है, लेकिन ये पानी का ग्लास का ठंडा कितना है और लैपटॉप कितना गर्म है, हम सिर्फ टच करके बता सकते हैं? Probably not accurate measurement. तो एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करेंगे? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है वो बतलाता है कि एग्जैक्ट में यह कितना ठंडा है या कितना गर्म है। ऑफ कोर्स लैपटॉप का टेम्परेचर भी हाई होगा और वाटर ग्लास का टेम्परेचर लो होगा, बट बाय व्हिच डिवाइस वी विल मेजर द टेम्परेचर? थर्मोमीटर। वेरी गुड, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर वर्ड जो है वो दो पार्ट है, थर्मो एंड मीटर। थर्मो मतलब हुआ टेम्परेचर, मीटर मतलब मेजरमेंट। अब इसी से देखो थर्मो से क्या बनता है, थर्मोस्टेट, थर्मोकूल, थर्मल इनर्जी, थर्मस, यानी जहां थर्म लगा है दिमाग में बैठा लो टेम्परेचर। सो द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। क्लियर? नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा थर्मामीटर, और इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक वर्ड और जुड़ गया, क्या? क्लिनिकल थर्मामीटर। व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? जो क्लिनिक में यूज होता है। वेरी गुड, जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में यूज होता है। डॉक्टर साहब अपना पेशेंट के मुंह खोलो, मुंह में थर्मामीटर डाले और जैसो क्या कहते हैं टेम्परेचर मेजर करने लगे। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जाहिर सी बात है पेशेंट कौन होगा, आदमी होगा। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे हम किसे मेजर करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर से। हर मेजरमेंट मेजरिंग डिवाइस का एक रेंज होता है। रेंज मतलब यानी मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का भी एक रेंज होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो मापता है। जनरली इट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का आइडियल टेम्परेचर होता है। ओके, तो उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, फीवर जब आएगा तो जाहिर है हाई टेम्परेचर होगा। तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके आसपास का ये रेंज है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नाउ अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज ए बल्ब एट वन एंड। अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में कि एक ट्यूब जैसा था और लास्ट में एक टिप लगा हुआ था, दैट इज टिप इज बल्ब। ओके, उसी को वो सेंसर होता है बॉडी में, आर्म पिट में या माउथ में रखते हैं टंग के पास, उसके टंग को सेंस करता है और टेम्परेचर को नोट करना शुरू करता है, और उसमें जो मरकरी रहता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। दिस बल्ब कंटेंस मरकरी, outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen, generally red color tumko dikhega, aage ki or badhta chala jata hai. We also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale, indicated by degree C, and other scale is also there, Fahrenheit, that is indicated by degree F. Thermometer mein do Celsius unit likha rehta hai, Celsius bhi rehta hai, Fahrenheit bhi. Generally hum log क्या बोलते हैं, फीवर है कितना है जी, 100 है। तो 100 अभी हमने बताया कि रेंज है 35 टू 42, तो ये 100 क्या है, 100 फारेनहाइट।
हमारा जो बॉडी का आइडियल टेम्परेचर होता है फारेनहाइट में 98 के आसपास होता है। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका रेंज है 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर? नाउ आप जो है थर्मोमीटर जब यूज करते हैं तो कुछ ध्यान रखना जरूरी है। क्या ध्यान रखना जरूरी है? थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। जनरली क्या होता है ना, थर्मोमीटर खासकर हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है पेशेंट को लगाए जाते हैं। पेशेंट क्या है, इन्फेक्टेड है, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पेशेंट से लगा हुआ थर्मोमीटर दूसरे इन्फेक्टेड पेशेंट को लगाएंगे तो क्या होगा, और चांसेज है कि इन्फेक्शन बढ़ जाए। तो उसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन जरूरी है। कैसे करेंगे, उसको वॉश करेंगे, अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, और अगर सैनिटाइजर है या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसको हम उसमें वॉश करेंगे। क्लियर? अब एक नया वर्ड यहाँ आया, एंटीसेप्टिक। व्हाट इज एंटीसेप्टिक बताओ? ठीक है, चोट वगैरह लगने में लगाते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक वर्ड का मतलब समझो। एंटी मतलब रोक देना, सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन। वो सॉल्यूशन जो सेप्टिक यानी इन्फेक्शन को रोके, जनरली एंटीबायोटिक का जैसा काम करेगा, उसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन। ओके, नाउ इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35। अब ध्यान रखना, हाँ मम्मा को बेवकूफ बनाना हो कि मुझे फीवर है तो किसी गर्म चीज में थर्मोमीटर डाल दिए, उसके बाद बॉडी में लगा लिए, थर्मोमीटर पहले से बढ़ा है, अरे मम्मा देखो मेरे फीवर है इतना, नहीं ये नहीं करना है। अच्छे से पहले थर्मोमीटर को चेक करो, मर्करी का लेवल नीचे आने दो, और जब मर्करी का लेवल नीचे आ जाएगा तब लगाना। कितना आना है, 35 पर आना है। 35 पर जब आ जाए तब थर्मोमीटर को लगाना है। क्लियर? रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जो आंख की नजर है ना, आंख के सामने रखना, तब ही हमको थर्मामीटर का रीडिंग अच्छे से दिखाई देगा। और हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, बतलाया कि महीने में थर्मामीटर फूटता है, वीक में थर्मामीटर फूटता है, तो चूंकि ग्लास का रहता है ना तो अच्छे से केयर करना है, गिरे नहीं, गिरने से थर्मामीटर टूट सकता है। और उसका जो बल्ब रहता है उसको नहीं टच करना है रीडिंग के लिए, क्यों, उसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ का टेम्परेचर फिर उसको थर्मोमीटर का टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। क्लियर? नाउ डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जैसे हमने बताया शुरू में, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या था, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता था। तो क्या हम उस टेम्परेचर को ले गए और जाकर जैसो जो फ्राई पैन जिसपे मम्मा डोसा बना रही थी उसका भी टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे? नहीं, नहीं करना चाहिए, और होगा भी नहीं, उसके चक्कर में कहीं थर्मोमीटर थोड़ा ब्रेक कर सकता है। क्यों ब्रेक कर सकता है, कि टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा है, हमारा रेंज उतना है नहीं, मरकरी लेवल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मरकरी ब्लास्ट कर जाएगा। नाउ देर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर। तुमको पता है कि मर्करी जो है पॉइजन होता है, मर्करी वेरी डेंजरस एलिमेंट है, और यह जैसे हमारे बॉडी में कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती है। तो मर्करी जो है टॉक्सिक सबस्टांस है, टॉक्सिक मतलब विषैला, जहरीला, एंड अगर थर्मामीटर टूटता है तो उसको डिस्पोज करना बहुत खतरनाक है। जनरली बॉडी में टच नहीं होना चाहिए थर्मामीटर हमारे स्किन में, तो उसके लिए आजकल आ गया है इस तरह से प्लास्टिक जो दिख रहा है सेकेंड इमेज में, व्हाइट कलर का ग्रीन कैप लगा हुआ डिजिटल थर्मामीटर मार्केट में खूब मिल रहा है, और उसमें जैसो डिजिटल तरीके से टेम्परेचर मेजर करते हैं जिससे मर्करी का यूज नहीं होता। क्लियर? नाउ अभी जैसे बताया कि फ्राई पैन का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, टेम्परेचर ग्लास में है पानी रखा हुआ उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, क्या केमिकल थर्मोमीटर करेंगे? नहीं, जब उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो देर इज ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हॉरिजॉन्टली मैंने रखा है, वर्टिकली रखा जाता है खड़े करके,
जब तुम साइंस लैब में जाओगे, तुम्हें एक लंबा सा थर्मामीटर खड़ा करके रखा हुआ रहेगा, उसमें क्लिप से इस तरीके से खड़ा करके रखा रहेगा, क्लिप से कसा हुआ रहेगा। ओके, नाउ ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका रेंज क्या है? देखो इसका रेंज -10, -10 टू 110, यानी कितना हो गया, 120 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। क्लियर? नाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट, जिससे मैंने बतलाया कि जब हम ठंड लगती है तो धूप में चले जाते हैं, गर्मी लगती है वाटर पार्क में चले जाते हैं। क्यों? ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। ठंड लग रही थी, हमें हीट चाहिए, हमें एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट में चले गए। हम गर्मी लग रही थी, हम हीट बाहर निकालना चाहते हैं तो पानी में चले गए। तो द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, याद रखना। हीट कैसे फ्लो करेगा? हॉटर टू कोल्डर, कोल्डर टू हॉटर, कभी नहीं। हीट का ट्रांसफर जो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। जो गर्म होगा वही से हीट ठंड की ओर जाएगा, ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर जाएगा। यानी जो जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा होगा वो लूज करेगा कम टेम्परेचर वाले को। क्लियर? हाउ डज हीट फ्लो, कैसे फ्लो करता है? इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर में ये पढ़ने आए हैं, कैसे करता है। जनरली जब तुम चम्मच को आग पे गर्म करते हो, और वो स्टील का चम्मच है, लोहे का चम्मच है, तो थोड़ी देर में बाद क्या होता है, चम्मच को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब ये जो है, मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास है, यहाँ पर ये हीट जो है सो नीचे जो है सो हम गर्म कर रहे हैं, तो हीट तो इस टच पेंदी को टच कर रहा है, और ऊपर वाला जो छोर है यहाँ तो टच नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ग्लास मेरे हाथ से छूट जाता है क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ट्रांस मोलिकुल है, एलिमेंट है ग्लास का मोलिकुल, ये हीट हुआ और यहाँ से हीट जैसे ट्रांसफर होते हैं, इसको 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 ऊपर की ओर हीट होते चला जाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या कहलाता है? कंडक्शन, यानी द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, एंड द मटेरियल व्हिच अलाउज हीट टू पास देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। क्या कहलाता है? बस का कंडक्टर मत समझ लेना कि जो टिकट वसूलता है, ये कंडक्टर है कि जाने देता है, किसी का रास्ता नहीं रोकता, जाओ भाई जाओ। गर्म हो रहा है, ऊपर गर्म हो, नीचे गर्म हो गया तब ऊपर भी जाएगा गर्म करने, तो ऊपर की ओर चला गया। अब इसी में देखते हो चाय के कप पे, कभी गौर किए हो कि हैंडल जो रहता है उसमें प्लास्टिक लगा रहता है, उड़न लगा रहता है, चम्मच जो रहता है उसके पीछे हैंडल उड़न लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उड़ जो है, जिसे दिस इज उड़न, तब इसमें आग लगेगा, यहाँ तक भी आग लग जाएगा तो भी हमें पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हमें हीट की गर्मी एहसास होगा, लेकिन ये इंड जो है ये गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उड़न आर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है? टेम्परेचर को रोक देता है। इंसुलेट, इंसुलेट मतलब बस जहां हो वहीं रहो, उसके आगे मत बढ़ो। क्लियर? कंडक्टर जहां, अरे वहां हो, आओ मेरे पास भी आओ, बढ़ते जाओ, हम नहीं रोकेंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड, और पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। क्लियर? तो हमने दो वर्ड सीखा, तीन वर्ड। कंडक्शन, कंडक्शन क्या है? हीटिंग फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। कंडक्टर द एलिमेंट व्हिच अलाउ टू हीट ट्रांसफरिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्टर। एंड इंसुलेटर, ना भाई नहीं देंगे तुमको जाने, इट डजेंट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन इन टू अनदर। ओके, नाउ सी
सी द इमेज, एक जो बर्नर है चूल्हे, चूल्हे पर जैसो क्या है ये फ्लास्क रखा हुआ, इसे पानी गर्म हो रहा है, ठीक। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जैसे मैंने ग्लास का अभी फिगर दिखाया था, सिमिलरली इस फिगर में देखो कि ये जो नीचे पेंदी में सटा हुआ पानी वो पहले गर्म होगा क्योंकि चूल्हे के पास है, बर्नर के पास है, लेकिन जैसे ये गर्म होगा वो क्या होगा ऊपर की ओर बढ़ेगा, गर्म चीज हल्की हो जाती है, याद है जो गर्म चीज होता है जिसे बैलून गर्म होता है, हॉट बैलून ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो फ्लेम के पास था हीट होकर ऊपर गया और खाली जगह कौन भरेगा, ऊपर वाला ठंडा पानी, और यह तब तक ट्रांसफर होते रहेगा, नीचे गर्म ऊपर जाएगा ठंडा नीचे आएगा, जब तक कि वाटर मॉलिक्यूल सारे गर्म ना हो जाए। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट एंड वाटर फ्रॉम द साइड, दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड एंड दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या हुआ कि हॉट एंड कोल्ड मॉलिक्यूल एक दूसरे का पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, कैसे, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर की ओर गया, ठंडा मॉलिक्यूल नीचे की ओर आया, पानी की गर्मी, यानी हीटिंग ऑफ वाटर कन्वेक्शन होता है, मेथड से काम करता है, क्लियर। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, कभी गौर किए रूम में एयर रहता है ना, एटमोस्फेयर में एयर रहता है, गर्मी लगा रहा है, क्यों, गर्म हवा बह रही है, गर्म हवा गाल में टच किया पूरा बॉडी झुलस गया, हम मुंह में गमछा बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं, क्यों, हमें हमारे स्किन हॉट एयर से बचे रहे, लू गर्मी में लू चलती है ना, धुआं आग लगा धुआं क्या होता है, कभी चूल्हे का धुआं देखे हो, नीचे में आग लगा और धुआं ऊपर की ओर जाता, द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेज, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, जैसे हम पानी में देखा कि ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर सॉरी एयर मॉलिक्यूल है, हवा है, वह जैसे गर्म होगा वो ऊपर की ओर राइज करेगा और चारों तरफ से, पानी में ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें चारों तरफ से जहाँ ठंडी हवा है उस जगह को, जो गर्म हवा जगह के ऊपर जाने से जगह खाली हुआ है उसमें ठंडी हवा आ जाएगी और फिर ठंडी हवा फिर गर्म होगी, क्लियर। द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेन, कोस्टल एरिया में तुम देखो क्या, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स द हॉटर एंड राइजेज। अब यहाँ देखो दिन में कोस्टल एरिया मतलब जहाँ समुद्र तट है वहाँ क्या हो रहा है कि लैंड है वह जल्दी हीट हो जाता है पानी की तुलना में, क्यों, कभी सोचे हो, लैंड जो है उसमें जो हीट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और वाटर में क्या हो रहा है ना कि हीट एब्जॉर्प्शन कम होता है, और वह वाटर गर्म हो रहा है ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन लैंड तो ऊपर की ओर नहीं जा रहा, वह सारे हीट को एब्जॉर्ब करके चला जाता है, हाँ जैसे छत गर्म हो जाता है, वेरी गुड। तो ये जो धरती जब गर्म होती है तो उसके ऊपर का हवा क्या होगा वो गर्म हो जाएगा और उसको जैसे गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी। नाउ द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, अब धरती के गर्म हवा ऊपर की ओर गया तो जो जगह खाली हुआ तो समुद्र की जो ठंडी हवा है वह उस जगह को भरने के लिए आ जाएगा। The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. And the air from the sea is called sea breeze. अब गर्मी हवा ऊपर गया, सी से कौन सी हवा आया, ठंडी हवा जो हमें अच्छी लगती है, that is called sea breeze. At night it is exactly reverse. रात में क्या होगा, अब जो है दिन भर सी गर्म हो रहा था और ठंड धरती जैसो रात में ठंडा हो रही है, सनलाइट तो धरती में आ नहीं रही है, तो
धरती का हवा जो है सो धरती के ऊपर की हवा ठंड होगी और समुद्र की हवा जो है सो गर्म है कंपेरेटिवली. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. जैसे दिन में गर्म हवा वाटर धीरे से गर्म हो रहा है, लेकिन रात में जो है सो वाटर धीरे से ठंडा भी हो रहा है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवार्ड द सी. अब जो है सी जो है सो लैंड की कंपेरिजन में गर्म है ना, क्योंकि धरती जल्दी ठंडा हो गई है, समुद्र को ठंडा होने में टाइम लग रहा है. तो समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा होगा वो ऊपर जाएगा और उसको भरेगा कौन, धरती पर का ठंडी हवा. इसको कहा जाएगा लैंड ब्रिज. यानी लैंड ब्रिज क्यों, क्योंकि लैंड से हवा जा रही है सी में, और सी ब्रिज क्यों, सी से हवा आ रही है लैंड में. इसे समझ पाए अच्छे से बताओ. मुझे लग रहा है कि मैं एक बार फिर से इसे बता लूं. देखो धरती और पानी दोनों का ठंडा होने का स्पीड, गर्म होने का स्पीड अलग अलग है. धरती क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडा भी हो जाएगी. पानी जो है लेट से गर्म होगी, लेट से ठंडा होगी. क्लियर. तो दिन में क्या होता है कि सनलाइट, सूरज दा गर्म है, धरती भी गर्म हो रही है, समुद्र भी गर्म हो रही है, लेकिन धरती जो है सो जल्दी गर्म हो रही है. तो जब धरती जल्दी गर्म होगी तो धरती के ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म होगी, और गर्म होकर क्या होगा, ऊपर राइज करेगी, और हवा जो गर्म होकर ऊपर चली गई उसका जगह हो गया खाली. अब खाली जगह को भरने के लिए दूसरी हवा आएगी. कहाँ से आएगी, बगल में समुद्र है, समुद्र से हवा आएगी. क्यों, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर जो है वो धरती की तुलना में कम है, यानी ठंड है. तो ठंडी हवा समुद्र से आएगी धरती की तरफ, जिसको क्या कहेंगे, सी ब्रीज, क्योंकि सी से आ रही है. रात में क्या होगा कि दिन भर तो जो पानी गर्म हो रहा है, रात तक तो गर्म हुआ, अब रात में ठंड होने में उसको टाइम लगेगी, लेकिन धरती जल्दी ठंडा हो जाएगा. तो जब धरती जल्दी ठंडा हो जाएगा और समुद्र भी ठंडा होने में टाइम ले रहा है, तो समुद्र के ऊपर की हवा क्या होगी, गर्म होगी. अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म है तो चली गई गर्म हवा ऊपर. अब जो खाली जगह समुद्र के ऊपर बना उसको भरने की कहाँ से आएगी हवा, धरती से आएगी, लैंड से जाएगी, और लैंड से हवा जाएगी रात में समुद्र की ओर. उसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज. ये जो टेम्परेचर अलग अलग जगह में बदलता है, बरसात आती है, मानसून आता है, ये सब सही ब्रिज और लैंड ब्रिज का कमाल है. आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, खासकर ज्योग्राफी में इसे पढ़ोगे. क्लियर. अब इस पिक्चर से तुम अच्छे से समझ सकते हो कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या हो रहा है. ये समुद्र है और ये धरती है. धरती में क्या हो रहा है, टेम्परेचर गर्म हुआ और समुद्र की हवा जा रही है धरती की ओर, दैट इज सी ब्रिज. और रात में ठीक इसका उल्टा, समुद्र की ऊपर की हवा गर्म हो रही है, धरती की हवा ठंडी हो चुकी है, तो गर्म हवा को भरने के लिए जा रहा है धरती से ठंडी हवा. इसको कहेंगे लैंड ब्रिज. क्या क्वेश्चन है बोलो. रात में ठंडा जो पानी रहता है वो जाता है. लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है. धरती, समुद्र भी ठंड हो रही है, लेकिन उसके ठंड होने की रफ्तार धरती की तुलना में कम है. तो जब धरती की तुलना में उसका रफ्तार कम है तो धरती पहले ठंडा हो गया, समुद्र देर से ठंडा होगा. तो जब धरती ठंडा हो चुका होगा उस समय तक समुद्र जो है इन कंपेरिजन टू धरती गर्म होगा. याद रखना, बहुत अच्छा चीज अभी मेरे हिट किया, कि टेम्परेचर जो होता है, कोई चीज गर्म है या ठंडा है कैसे पता चलेगा, देर इज कंपेरिजन ऑफ टेम्परेचर. मेरा हाथ खुद पहले से गर्म है तभी तो हमें बर्फ ठंड लगेगी, और मेरा हाथ जैसे गर्म तवे पे गया तो चूंकि तवे का टेम्परेचर मेरे हाथ से गर्म है, ज्यादा है, इसलिए हमें गर्मी लगी. तो ठंडा या गर्म है ये कैसे पता चलेगा, कि सामने वाला ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उससे कम है या ज्यादा. जैसे धरती और समुद्र में कौन ठंडा है कौन गर्म है वो धरती या समुद्र के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. क्लियर.
ना टेम्परेचर है मौसम की वजह से मौसम बदलता है, हम ठंड में कुछ अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कुछ अलग कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर दोनों मौसम का अलग अलग होता है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। द कलर ऑफ क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट एंड देयर फॉर कलरफुल ड्रेसेज आर आइडियल इन विंटर सीजन। अब एक चीज तुमने अगर पढ़ा होगा पीछे के क्लास में, जो कलर होता है किसी कपड़े का, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मेरे पीछे का दीवार का कलर क्या है, पिंक है, लाइट कलर है, और छत जो है सर मेरे ऊपर का व्हाइट कलर है, तो कोई कलर है क्या पता है? तो जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट में सात कलर होते हैं पता है, विविगियो, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सात कलर का मिक्सचर जो होता है वो सनलाइट है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर सनलाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जो कलर बॉडी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है ना, वो कलर उस ऑब्जेक्ट का लाइट होता है, नहीं सॉरी, उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। जैसे जो पिंक कलर की दीवार जो अभी मुझे दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन पिंक कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। पीछे अलमीरा का दरवाजा है वो ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं किया। जब सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैक। और जो छत है व्हाइट, वो क्या, किसी को एब्जॉर्ब नहीं किया, सबको लौटा दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब एक चीज बड़ी कैची है यहाँ, अब जब सनलाइट है तो सनलाइट में क्या है, एनर्जी है ना, तो जो ऑब्जेक्ट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो ब्लैक कलर का दरवाजा है वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, यानी जो ब्लैक कलर होगा वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पिंक कलर जो है वह मान लो कि सात कलर में छह कलर को रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब किया, एक कलर रिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा गर्म है, लेकिन व्हाइट कलर है, सात का सातों कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, किसी को नहीं रखा। तो जो व्हाइट कलर का ड्रेस होगा वह गर्मी में हम इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वह हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ठंड में ब्लैक कलर पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वह सारे हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो कलरफुल ड्रेस क्या होगा, हमेशा गर्म होगा व्हाइट ड्रेस की तुलना में, क्लियर? दैट्स व्हाई इन विंटर वी प्रिफर कलरफुल ड्रेस। अब वूलन क्लॉथ आता है गर्मी में, ठंड में हम ऊनी का स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं। क्यों? तुम देखोगे वूलन क्लॉथ में फुला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत सारा होल, जैसे शर्ट है इसका फाइबर कंडेंस रहता है, मोटा रहता है, थिक रहता है, लेकिन वूलन में फैला हुआ रहता है, उसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं, और एयर क्या है पता है, इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट। तो जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वह बाहर जाएगा तभी हमें ठंड लगेगी, तो हमारा जो उलन कपड़ा है उसमें जो एयर ट्रैप है वह बॉडी टेम्परेचर को रोक देता है, भाई तुम बॉडी में रहो, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत ठंड है, मम्मी बोलती है बाहर मत जाओ खेलने, बहुत ठंड है, गेट लगा दे। तो जो उलन क्लॉथ है वह बॉडी के पास गेट लगा दे कि रहो भाई अंदर ही रहो, हमारा बॉडी गर्म रहता है। और जैसे वो कूलन क्लॉथ खोलेंगे सब भागेगा बाहर की ओर, बाहर का टेम्परेचर डाउन है, गर्म से ठंडे की ओर एनर्जी ट्रांसफर करती है, हीट टू कोल्ड, तो हमारा बॉडी गर्म, बाहर का टेम्परेचर कम, तो हीट हमारा सारा एनर्जी बाहर जाएगा और हमें लगने लगेगी ठंड, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर हिट। नाउ हिट क्या है, एनर्जी था। अब जरा इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन क्यों जरूरी है ना, पढ़ते पढ़ते बीच में कभी टीचर पापा को निंदा आ गई, कभी बेटी को निंदा आ गई, हाँ दिमाग से कुछ स्लिप कर गया, हमेशा तो एक जगह माइंड स्थिर नहीं रहता है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस। हमने शुरू में बताया था कि कैसे पता चला ठंडा है या गर्म, छूने से, लेकिन सेंस ऑफ टच जैसा हमेशा रिलायबल नहीं हो सकता है।
कोई एक्यूरेट हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा ठंडा है कितना ज्यादा गर्म है। तो कैसे नापेंगे भाई? नापने के लिए लाएंगे थर्मोमीटर, थर्मो टेम्परेचर, मीटर मेजरमेंट, जो टेम्परेचर को नापे उसको क्या कहेंगे? थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना गर्म है कितना ठंडा है वो कौन बताता है? बॉडी का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। और टेम्परेचर थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मापेगा कौन? थर्मोमीटर। नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कौन मेजर करेगा? क्लिनिकल थर्मामीटर। द रेंज ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट में क्या था याद करो जल्दी से, 94 टू 112 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर? और क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए था, अदर देन ह्यूमन बॉडी हमारे सराउंडिंग्स के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए टेम्परेचर कैसे नापेंगे? सो लेबोरेटरी थर्मामीटर, लैब में जो रखा रहता है थर्मामीटर उसको लेबोरेटरी कहेंगे। और उसका रेंज क्या है? -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। अब पूछोगे भाई हमारे बॉडी का आइडियल टेम्परेचर क्या है? हमने बताया था 36.4 होता है नॉर्मली, बुक में दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बुक जो दिया है हम उसको फॉलो करेंगे। क्लियर? एनसीईआरटी का बुक को स्टैंडर्ड मानते हुए हमें बुक को फॉलो करना है। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ मैंने बताया कि जो गर्म है उससे ठंडे की ओर हीट ट्रांसफर होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। यह जो टेम्परेचर का फ्लो है ना एकदम फिक्स है, हॉटर टू कोल्डर, उल्टा नहीं होगा। देर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्या क्या है भाई? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, मेटल एक छोर गर्म हो रहा है दूसरा छोर गर्म होने लगा। कन्वेक्शन वाटर में होता है, नीचे गर्म हुआ तो गर्म वाला ऊपर गया और ऊपर ठंडा जो था नीचे आ गया। रेडिएशन गैस, गर्म हुआ और गर्म होकर ऊपर भाग गया और चारों तरफ से जो ठंडी हवा हुआ गर्म वाले जगह पर आ जाती है, जहाँ गर्म नीचे था वो आ जाती है, फिर वो गर्म होती है, इस तरह से चारों ओर फैल जाता है, रेडिएट। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, इन लिक्विड एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की भी जरूरत नहीं है, यानी इनवर्स में भी वैक्यूम जहाँ है वहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? द मेटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर। कंडक्टर हीट को जाने देता है, रुकता नहीं है। द मेटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। रोक देता है, भाई रुको बाहर नहीं जाना है। क्यों? बाहर ठंड है, गर्म कपड़ा पहने हैं, इंसुलेटर। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। कलरफुल ड्रेस गर्म होगी, क्यों? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, हा? और किसी एक को ही रिफ्लेक्ट करती है, तो जब एब्जॉर्ब होगा तो सनलाइट, लाइट में एनर्जी है तो गर्म। तो लाइट कलर है तो इसका मतलब कम एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना डीप कलर होगा जितना डार्क कलर होगा उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए तो ब्लैक में सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया इसलिए ब्लैक है, और व्हाइट कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया इसलिए व्हाइट। राइट? दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर एंड वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इट इन बिटवीन द फाइबर्स। This was all about heat, transfer of heat, types of object which allows transfer of heat and types of clothes we wear in different season. I hope you enjoyed today's learning और आपने जो भी पढ़ा उसे
फिर से रिवाइज करेंगे, बुक में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसे पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर है ना उसे बनाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर नहीं है बन पाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन और आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें मोटिवेट करेंगे आगे अगले क्लास को अपलोड करने का। थैंक यू।